जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार 80 की 80 सीटें सपा जीत रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्व में एक कहावत है, सुपवा बोले बोले चलनियों बोला था, जौने में 32 ठे छेद बा। अरे एक कहावत और बा कि एक बार एक जजमान बाल बनवा रहे थे, तो हमारे शर्मा जी बाल बना रहे थे नाई समाज के, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया वो जजमान कि नाव ठाकुर कितने बाल हमारे सर में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार तुम्हारे समन्वय बाहर गिन ले, 4 तारीख को यह पता चल जाएगा शाम तक कि क्या स्थिति है। निश्चित रूप से यहाँ भदोही में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो यहाँ की सीट को रोक लेगी, और दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो भारत के सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। वह सब आपको सामने आ जाएगा। जहाँ तक आपने श्रद्धेय परम आदरणीय अखिलेश जी की बात आपने कहा, निश्चित रूप से श्रद्धेय परम आदरणीय विधायक जी निकल रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो नेता जी। नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप कभी भी आप देख लें हमारे जितने बाइट हैं, मैं जहां भी बोलता हूं, हमसे जो भी देखिए पद की गरिमा होती है वो आदरणीय है। मैं उनका नाम सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। मैं अगर छोटा व्यक्ति भी होता है, जो हमारे समाज का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, वो सबसे निचले तबके पे बैठा हुआ जो हमारा बनवासी भाई है, तो उसको भी हम आदरणीय कहते हैं और उसको भी सम्मान देने का काम कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम देखिए लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, हम दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने का काम नहीं करते हैं। एक गीता में कहावत भी है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, हम 4 तारीख को निश्चित रूप से जो हमारा नारा है 400 पार वो साबित होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटें जीतने का काम करने जा रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के भदोही के सांसद रमेश चंद बिंद्रे, उन्होंने सपा ज्वाइन करके और भदोही की जनसभा में संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी के मंच से उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, आप क्या मानते हैं? अरे भैया आप बताइए ना, जो मैंने पहले भी बाइट दिया है कि जो ग्राम प्रधान नहीं जीत सकते, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं जीत सकते, जो 35,000 के लगभग वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार गए थे विधानसभा का, ये ब्राह्मणों का एहसान माने, ब्राह्मणों ने गाली सुन करके भी रमेश बिंद को नहीं बल्कि श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनको वोट दे करके जिता दिया था। अब भाई खड़े हैं तो देख लें कितनी किसकी वो है। पहले भदोही में क्या औकात दिखाएंगे, पहले मिर्जापुर में लड़ रहे हैं तो मिर्जापुर से अपनी औकात दिखाएं, वहां पे लड़ करके जीतने का काम करें, तो पता चल जाएगा कि कितने वोटों से चुनाव हारेंगे।